क्या इस दुनिया में कोई ऐसी किताब है जो आपके दिल को हिला दे? तो इसका जवाब है हाँ, और इस किताब का नाम है नेक्रोनोमिकॉन, जिसको मृत्यु की किताब भी कहा जाता है। हॉवर्ड फिलिप्स लवक्राफ्ट एक अमेरिका के लेखक है जो पहली बार इस किताब के रहस्यों को दुनिया के सामने पेश किया था। ये किताब अब्दुल अलहजरत ने लगभग 650 सदियों में लिखे थे, जिन्हें हर कोई अरब का पागल कहता था। और इस 700 पन्ने के बड़े ग्रंथ में ग्रेट ओल्ड वन का प्राचीन भयानक दुष्ट शक्तियों के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। अब्दुल अलहजरत ने किताब अल अजीफ नाम का एक किताब लिखा था, जिसका मतलब था रेगिस्तान का शैतान, जिसमें बहुत सारे ऐसे देवताओं और आधुनिक मानव से भी बहुत पहले पृथ्वी में आए हुए दूसरे मानव के बारे में लिखा था। इस ग्रंथ को लिखने के वक्त में ही अलहजरत पागल हो गया था। उसका नाम हो चुका था अरब का पागल। अलहजरत पूरे 10 साल अरब के बहुत सारे रेगिस्तानों में अभियान चलाया था, और उस वक्त उसको एक प्राचीन अनजान शहर का खोज मिला, जिसमें उसको बहुत सारे प्रागैतिहासिक चीज़ों की खोज मिली। छुपे हुए थे बहुत सारे गुप्त ज्ञान, और वहाँ पे मिले हुए तथ्य से ही उन्होंने ये प्रख्यात ग्रंथ रचना किया था। इस ग्रंथ का मेन कैरेक्टर का नाम था थुलोमिथुस, जो आज से सदियों वर्ष पहले पृथ्वी में आया था और बनाया था अपना एक रहस्यमय शहर, जो शहर पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के हिलने पर बर्बाद हो गया था। उस दुर्घटना के दौरान थुलो ने ज़मीन के नीचे रहने का फैसला किया। थुलोमिथुस का लक्ष्य था पूरे मानव जाति को अपना गुलाम बनाना। उसके बाद जैसे जैसे कहानी बढ़ता जाता है, उसमें और भी सस्पेंस और डर पैदा होने लगता है। लवक्राफ्ट के ज़माने में बहुत सारे ऐसे किताब नेक्रोमिकॉन के नाम पर बाजार में बिकने लगे, और ये किताब 8 चैप्टर में बांटा हुआ था। इसका एक चैप्टर पढ़ने के बाद लोग उत्तेजित होकर मानसिक संतुलन खो बैठते थे और पागल होने का लक्षण दिखाई देने लगता था। नेक्रोमिकॉन को लेकर ऐसा अफवाह था कि ये पुराने ग्रंथ ब्रिटिश म्यूजियम के किसी कक्ष में एक स्पेशल सिक्योरिटी के साथ छुपा के रखा गया है। इस ग्रंथ के अनुसार अगर कोई भी उस ग्रंथ में लिखे हुए मंत्र को सही रिचुअल के साथ संपन्न किया, तो पृथ्वी में शैतान का जन्म होगा। कहा जाता है कि वेटिकन के नीचे जमीन की गहराई में छुपे हुए कक्ष में नेक्रोमिकॉन के असली ग्रंथ को रखा गया है। अभी आते हैं इसके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर। कुछ लोग ऐसे मानते थे कि अब्दुल अलहजरत की ये कहानी हॉवर्ड फिलिप्स का ही बनाया एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन यह सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मतलब यह सच भी हो सकता है और झूठ भी, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है आज तक। अगर हम मान लें कि नेक्रोमिकॉन की कहानी सच है और ये आज भी दुनिया के किसी गुप्त जगह पर छुपा के रखा गया है, तो ये किताब अगर किसी बुरे लोगों के हाथ लग गया तो क्या होगा? आप लोग भी सोच के देखिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया सस्पेंस के साथ। तब तक के लिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के आगे आपको जल्द से जल्द मिल जाए।